हेलो नमस्कार। पिछले लाइव सेशन में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैम आप बताइए हम एक लड़की को कैसे पढ़ाएं, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। मोस्टली यंगस्टर्स मिलेनियल्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, दोस्तों से सलाह लेते हैं, इधर उधर गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो फिर कुछ कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं। मैं डॉक्टर नेहा मेहता आज आपको बताऊंगी लड़कियों की साइकोलॉजी क्या होती है और अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक मनोविज्ञानी हूं और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी इस वीडियो में फीमेल की साइकोलॉजी बताऊंगी और आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूं, अगर आप इन्हें अप्लाई करते हैं तो हर लड़की बहुत आसानी से आपसे इम्प्रेस हो जाएगी और फिर आप चूज कर सकते हैं कि किसे आपने अपना जीवन साथी बनाना है। बने रहें, जुड़े रहें, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लड़कों का भी भला हो पाए, तो शेयर करिए। चलिए मैं बता रही थी कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो क्या करें, लेकिन इससे पहले बताऊंगी साइकोलॉजी ऑफ फीमेल। जब भी हमें किसी लड़की को इम्प्रेस करना होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि लड़कियां किस तरीके से सोचती हैं। लड़कियां अगर किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं और उसके साथ लंबे समय से चलती हैं तो फिर वो एक ऐसा लड़का ढूंढती हैं जो उनके लिए एफर्ट्स करने से रुके नहीं। हो सकता है वो मनी एफर्ट्स हो सकता है वो एडवाइस एफर्ट्स हो सकता है वो बातें करने वाला हो सकता है इमोशनल कनेक्शन हो। लड़की हर उस लड़के से इम्प्रेस होती है जो उसे छोड़ता नहीं है और उसी के लिए ही रेगुलर एफर्ट्स करता है। बहुत बार लड़के इस चीज़ को कहते भी हैं कि हम कितना समय मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आपने डिसाइड ही कर रखा है कि यही लड़की मेरे साथ है तो आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी होगी। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी अगर आपने लड़की को इम्प्रेस करना है, एप्रीशिएट। दुनिया का कोई भी इंसान, बड़े से बड़े बाबा, संत, औरतें, आदमी, कोई भी इंसान एक ही चीज से पिघलता है, वो है उसकी तारीफ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमें एप्रिसिएशन हमेशा लुभाता है। तो अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि वो कैसे लग रही हैं, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस है, वो कितने अच्छे तरीके से बातें करती हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन डाल लेगा। दूसरा सबसे बड़ा टिप है जो आपने हेल्प करना है वो है एप्रिशिएट नॉट अबाउट क्लोथ्स, एप्रिशिएट अबाउट देयर वाइब्स, एप्रिशिएट अबाउट देयर स्किल्स। आप उनकी तारीफ करिए उनके गुणों की, रादर देन तारीफ करना कि तुम्हारा बैग बहुत अच्छा है, तुम्हारा पर्स बहुत अच्छा है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। अगर आप उन्हें गुणों की तारीफ करेंगे तो एक लड़की जो कि समझदार है वो आपके अंदर अपना जीवन साथी ढूंढेगी, आपके साथ कोई फ्लिंग या सिर्फ चक्कर चलाने के बारे में नहीं सोचेगी। जैसे आप उन्हें बोल सकते हैं कि तुम इतना अच्छा कर रही हो अपनी लाइफ में, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे बहुत प्राउड करते होंगे, तुम कितनी अच्छी दोस्त हो, अपने दोस्तों के साथ कितने अच्छे से मेंटेन करती हो। बातें शारीरिक भी हो सकती हैं और गुणत्व वाली भी हो सकती हैं। जितना आप उनकी वाइब्स को, उनकी बातों को, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे उतना जल्दी और उतना लंबा आप दोनों का संबंध हो सकता है, वो आपसे डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएंगे। तीसरी टिप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्पेस देना। आजकल के टाइम पे वुमेन स्पेस चाहती है, जैसे आप उनके लिए डोर खोल रहे हैं खिड़की का, या आप गार का डोर खोलते हैं, उनके लिए चेयर पीछे करते हैं, ये एफर्ट्स हैं जो दिखाते हैं कि आप उनके स्पेस को अप्रिशिएट करते हैं। साथ साथ ऐसे बॉयफ्रेंड्स, ऐसे लड़के लड़कियां कभी नहीं चाहती जो उनसे बार बार ये पूछे तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, कब मिलोगी। जब आप उनके स्पेस को अप्रिशिएट करेंगे तो वो मोमेंट डेफिनेटली आपसे इम्प्रेस होगी। चौथा सबसे बड़ा टिप है, एडवाइस है, अगर आप किसी वुमेन को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि आप उनसे एडवाइस लें। एक औरत को बहुत अच्छा लगता है अगर आप उससे ओपिनियन ले लें, जैसे मैं ना ऐसे सोच रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे बोला तो मैं क्या करूं। तो वुमेन को बहुत अच्छा लगता है, एक लेडी को, एक गर्ल को बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरी इंटेलिजेंस, मेरे ओपिनियन को ऊपर रख रहा है, और ऐसी लड़की लड़के से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है। जब लड़के सिर्फ अपनी ही चलाते हैं और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं तो लड़कियां बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में नहीं आती और ना ही पटती हैं। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टॉक एंड स्माइल व्हाइल लुकिंग इन देयर आईज। कहते हैं जब आपने किसी दूसरे को पटाना हो पहले खुद से प्यार करना सीखो,
खुद को बना ठना के रखो, अच्छे कपड़े पहनो, खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो कोई और लड़की आपसे जरूरी प्यार करेगी। जैसे अगर आपने कुछ बेचना है और आप तो उसको संभाल के रखते हो, सजा के रखते हो, तो लोग भी उससे इम्प्रेस होते हैं। खुद से खुश रहेंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे तो कोई दूसरा इंसान आपसे बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। तो फिर समझिए, छठा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप इज टाइम एंड एफर्ट्स। ऐसा नहीं करना है कि ये लड़की भी पसंद है, ये भी पसंद है, इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, इससे भी बात कर लो। इससे क्या होगा कि जो वो एक है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसका धीरे धीरे आपसे विश्वास उठने लगेगा। तो फिर रेगुलर टाइम्स दें, रेगुलर एफर्ट्स दें। हमेशा समझें कि शुरू शुरू में जब आप इम्प्रेस करते हो तो थोड़ा सा समय लगता है, हर लड़की सेम नहीं होती, लेकिन ये जो टिप्स हैं वो हर किसी लड़की पे डेफिनेटली काम करने वाले हैं। कभी भी खुद को बहुत ऊंचा नहीं दिखाएंगे और बहुत नीचा नहीं दिखाएंगे। आप जैसे हैं वैसे दिखाइए, रिश्ते टूटने के भी चांसेस नहीं होते और लड़कियां आपसे डेफिनेटली इम्प्रेस होती हैं। आप क्यूट हैं, आप अच्छे हैं, आप रिच हैं, आप जैसे भी हैं, अगर आप खुद से विश्वास करते हैं खुद पर, तो किसी लड़की को पटाना या उसके दिल में जगह बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्यार क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सोशल स्टेटस, मेरे पास बंदी है, देख मेरी बंदी देख, ऐसा नहीं होता। प्यार का मतलब है कि किसी को किसी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करो, उसकी कमियों को सुधारने की कोशिश करो और उसके साथ खुश रहो, ये होता है प्यार। तो पटाने की बजाय अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें कि मैं अपनी पसंद की लड़की को कैसे जिक्र करूं कि मैं उसे पसंद करता हूं, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। तो कनेक्शन डालिए, धीरे धीरे बात करिए और आप डेफिनेटली एक अच्छे जीवन साथी तक पहुंच पाएंगे। साथ साथ आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, इन सबको यूज करिए और धीरे 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 देखिए आपके लाइफ में कोई ना कोई जरूर आएगा, इन टिप्स को फॉलो करें। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपकी बहुत सी हेल्प कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगी। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, आप चाहें तो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और साथ साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें।